का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इसमें न्यूरॉन्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं और इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की मदद से काफी फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऐसे ही एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी यही काम कर रहा है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स की मदद से काम कर रहा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हम नर्वस सिस्टम को बोलते हैं कि ये क्विक कोऑर्डिनेशन कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम कंपेरेटिवली स्लो काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। न्यूरॉन्स को बोला गया है हाईली स्पेशलाइज सेल्स। वाई हाईली स्पेशलाइज सेल्स? क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है कि ये किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और उसे आगे ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, इसका स्पेशल कैरेक्टर। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखा गया हाइड्रा में। नर्वस सिस्टम की शुरुआत ही हाइड्रा से होती है। और एडवांस चले तो इंसेक्ट, इंसेक्ट में पहले हमने सबसे पहले ब्रेन देखा है, और अगर मोस्ट एडवांस की बात करें तो वो देखा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो है अपना साइटोन, ये है अपना पूरा साइटोन। साइटोन के अंदर सभी तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल, इसलिए न्यूरॉन हमारा डिवाइड नहीं करता है। दो तरह के सेल प्रोसेस होते हैं, जो छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं फाइन ब्रांचेस, दीज आर डेंड्राइट्स, एंड लॉन्ग प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन सिंगल रहेगा और लॉन्गेस्ट प्रोसेस होगा। इसी एक्सॉन की जो ये टर्मिनल एंड्स हैं, ये भी फाइन ब्रांचेस हैं, इनको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। और टीलोडेंड्रिया के जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होता है। इस एक्सॉन को अगर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है व्हिच इज कॉल्ड माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ को बनाने वाली सेल है स्वान सेल, जो कि एक तरह की न्यूरोविलिया सेल है। ठीक है, स्वान सेल के बारे में याद रखें कि ये ओनली पीएनएस के अंदर होती है, सीएनएस के अंदर नहीं होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल एब्सेंट होता है, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल एब्सेंट है तो फिर वहां पे माइलिन शीथ कौन बनाएगा? वहां पे होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है ना, बननी वाली शीट दोनों जगह सीएनएस में होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट और पीएनएस में होता है स्वान सेल। अब इन डायग्राम्स को आप देखें तो आप देखेंगे जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया है इसमें माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के अराउंड स्वान सेल है, लेकिन सेकंड डायग्राम में माइलिन शीथ नहीं है बट स्टिल स्वान सेल प्रेजेंट है। तो ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कवर्ड बाय स्वान सेल बट दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पीएनएस में आपको दोनों तरह के न्यूरॉन मिलेंगे, जिसमें माइलिन शीथ होगी, जिसमें नहीं होगी, बट स्वान सेल दोनों पे होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। वैसे तो इस टॉपिक को रैपिड रिवीजन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ कुछ मेन मेन चीज को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे आप नजर डालिए, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। क्या मतलब है इसका? मतलब न्यूरॉन को एक्साइटेबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी पोलराइज होती है। इसी चीज को अब आप इस डायग्राम में देखो, एक्साइटेबल या रेस्टिंग स्टेज, मतलब एक्साइटेबल का मतलब है न्यूरॉन एक्साइट हो सकता है। वाई? क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से है, पोलराइज्ड है, आउटसाइड नॉर्मली पॉजिटिव होती है, इनसाइड नेगेटिव होती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं और उन आयन चैनल्स के थ्रू आयन्स का डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उन आयन्स के ट्रांसपोर्ट के थ्रू न्यूरोन का जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि अब ये एक्साइटेड कैसे होगा। तो जब भी स्टिमुलस आएगा, ये अपन बात करते हैं कि ये स्टिमुलस आ गया, तो स्टिमुलस आने पर ये न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाता है और उसी हम स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट। एक्साइटेड होने का मतलब है कि अब न्यूरॉन जो है उसमें इंपल्स क्रिएट हो रहा है और वो इंपल्स आगे कंडक्ट होगा। अब ऐसा क्या हुआ कि स्टिमुलस आने पर न्यूरॉन एक्साइटेड फॉर्म में चला गया? तो उसके लिए आप इधर देख सकते हैं सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे सोडियम अंदर आ रहा है वैसे वैसे न्यूरॉन इनसाइड पॉजिटिव होता जा रहा है, आउटसाइड नेगेटिव होता जाता है। तो आप गौर करें कि पोलरिटी रिवर्स होती जा रही है। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में पोलरिटी देखो और डिपोलराइजेशन में पोलरिटी देखो, रिवर्स हो गया ना पोलरिटी। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस आने पर सोडियम के लिए परमियबिलिटी बढ़ जाती है और सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से न्यूरॉन इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव रहता है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब होगा क्या, सोडियम का इन्फ्लक्स तो बंद हो जाएगा और वापस से के प्लस का आउटफ्लक्स शुरू हो जाएगा, ए फ्लक्स शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे के प्लस वापिस से बाहर जाएगा तो मेम्ब्रेन फिर से बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, मतलब न्यूरॉन वापस से अपनी सेम पोलरिटी को गेन कर रहा है, इसलिए नाम रखा है डीपोलराइजेशन। तो इस पूरे चीज में आपको क्या क्या याद रखना है,
एक तो ये है कि नॉर्मली न्यूरॉन कैसा है, पोलराइज्ड, आउटसाइड पॉजिटिव साइड नेगेटिव। फिर क्या याद रखना है कि एक्साइटेड होने पे सोडियम अंदर आ रहा है और वापस से नॉर्मलाइज होने के लिए के प्लस बाहर जा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा जो है इसमें मेन पॉइंट यही जो आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अभी हमने देखा था जनरेशन ऑफ इम्पल्स, अब हम देख रहे हैं कंडक्शन। बेसिकली इम्पल्स न्यूरोन के अंदर कैसे ट्रेवल करती है, तो जरा आप इधर देखिए ए पॉइंट पे, ये ए साइट है। ए साइट को दिखाया जा रहा है कि ये डीपोलराइज हो रही है, इट मीन्स ये एक्साइटेड फॉर्म में है, यहाँ पे सोडियम अंदर आ रहा है। तो सोडियम जैसे जैसे अंदर आ रहा है तो आप ध्यान कीजिए कि यहाँ का पोलरिटी रिवर्स हो रहा है, आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव। ए पॉइंट तो अभी एक्साइटेड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप देखेंगे रिमेनिंग जो न्यूरॉन है, रिमेनिंग एक्सॉन जो है, वो अभी भी एक नॉर्मल स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, इट मींस कि आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। अब थोड़ा सा आप ये देखिए, ए साइट जो है पॉजिटिव और उसके बगल वाले जो साइट है बी, वो है अंदर से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह बाहर देखें, बी साइड बाहर से पॉजिटिव है, ए साइड बाहर से नेगेटिव है। ऐसा होने पे सर्किट्स डेवलप होते हैं। सर्किट बेसिकली आयंस का फ्लो, आप जानते हैं आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ अगर हम एक्सोन के इनसाइड बात करें, इनसाइड द एक्सोन आयंस विल फ्लो फ्रॉम ए साइड टू बी साइड, और अगर हम आउटसाइड द एक्सोन बात करें तो आयंस विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, तो बी से ए बाहर और ए से बी अंदर। ऐसा होने पे एक सर्किट डेवलप हुआ है। सर्किट डेवलप होने पर जो ए का करंट है वो बी पे ट्रेवल होगा, बी से सी पे, सी से डी पे। इस तरह से इम्पल्स धीरे धीरे आगे ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। Now we will discuss about transmission of impulse. किस तरह से impulse एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन, इट इज कॉल्ड साइनेप्स। अब इस साइनेप्स पे कैसे impulse फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड में गई, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट पूरा जो दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का सबसे टर्मिनल एंड है, इट इज कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अभी जो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है, तो स्टिमुलस आने पर, ये एक्शन पोटेंशियल आने पर, ये वेसिकल्स बर्स्ट हो जाती है। ये देखिए वेसिकल्स बर्स्ट हुए, वेसिकल्स बर्स्ट होने पर इनका केमिकल रिलीज हुआ है, जिस स्पेस में रिलीज हुआ है इस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस क्लेफ्ट के बाद शुरू होता है सेकेंड न्यूरोन। सेकेंड न्यूरोन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पर इस पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स किसके लिए हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये जो सेकेंड न्यूरोन है, इसमें कुछ आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, परमिटिविटी बढ़ जाती है। और जब वो आयन चैनल्स ओपन होंगे तो वहां से आयन अंदर आना शुरू होंगे। आयन अंदर आने पर जो सेकेंड न्यूरोन है, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरोन, उसमें न्यू पोटेंशियल डेवलप होता है, और वही न्यू पोटेंशियल आगे जाके न्यू इंपल्स फॉर्म करता है। तो इस तरह से एक इंपल्स न्यूरॉन से, न्यूरॉन के टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर जाती है और उसको एक्साइट करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ब्रेन का डायग्राम है। इट इज शोइंग सेजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस ब्रेन के अंदर बेटा तीन मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं, सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के अंदर ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, जो कि फोल्डेड पार्ट है, इस आउटर फोल्डेड पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये ग्रे मैटर का बना होता है। क्यों ग्रे मैटर का बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज होती है, साइटोन होते हैं। साइटोन की वजह से ये ग्रे अपीयरेंस शो करता है, तो इस ग्रे पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तीन मेजर पार्ट होते हैं, जिन मेजर एरियाज को हमने बोला है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। नाम से पता चल रहा है मोटर एरिया जिसमें मोटर न्यूरॉन होंगे, सेंसरी एरिया जिसमें सेंसरी न्यूरॉन होंगे, और एसोसिएशन एरिया ये वो पार्ट है जहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना तो वो क्लियरली सेंसरी है ना क्लियरली मोटर है। तो फिर वो कर क्या रहे, तो देखिए जरा उनके फंक्शन। पहला काम तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, बेसिकली मल्टीपल सेंसरी इंफॉर्मेशन को जोड़ना, मेमोरी सेव करना और कम्युनिकेशन में मदद करना, ये एसोसिएशन एरिया काम है, ठीक। ये जो आप ब्रेन का पार्ट देख रहे हैं, ये हाफ है, हाफ डायग्राम है। इसी तरह से इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा पार्ट भी होगा, और यहाँ पे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये पूरा बेटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम।
ये एक थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होता है, देख सकते हैं आप थ्योरी में। द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये एक मैमलियन कैरेक्टर है, सिर्फ मैमल्स में ये चीज आपको देखने को मिलती थी। इसी डायग्राम में आप देखें, मैंने तीन लेयर्स बनाए हुए हैं, जो रेड वाला बना रखा है जो सबसे नियर वन है, ये है पायामेटर, हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको रेड से दिखाया। इसके ऊपर जो सेकेंड नंबर है ये है अरेक्नोइड। इस अरेक्नोइड के अंदर कुछ कुछ फोल्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं अरेक्नोइड विलाय, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरामेटर, जो काफी थिक और हार्ड होती है क्योंकि इसमें वाइट फाइबर्स होते हैं। तो ये तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, और इन मेनिंजेस के बाहर आ जाएंगे स्कल बोन्स। तो ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, स्कल बोन्स के बाद ड्यूरा, अरेक्नोइड, पाया, देन फुल ब्रेन। फोर ब्रेन समझ आए। फिर आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्टर पार्ट होता है, और इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी तीन पार्ट है, दिस वन इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉगेटा। ठीक है, नाउ कम टू द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है? जो अभी हमने ब्रेन का डायग्राम देखा, ब्रेन के डायग्राम में ही सेरिब्रम के वेंट्रल पार्ट में कुछ डीप स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मिला के हमने बोला है लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसमें? एक तो है हमारा एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एंड ये एमिग्डाला हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर कुछ फंक्शंस रेगुलेट कर रहे हैं। इन डीप स्ट्रक्चर्स को मिला के बोला लिम्बिक सिस्टम। क्या क्या फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम के? सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, एंड मोटिवेशन में मदद करता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं पॉन्स के बारे में। पॉन्स जो है इसमें कई सारे फाइबर ट्रैक्स होते हैं, जिसकी मदद से पॉन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। इसी चीज के लिए मैंने यहाँ साइड में डायग्राम बनाया, इसमें आप देख सकते हैं ये सेकेंड नंबर की जो लेबलिंग है ये है पॉन्स। पॉन्स से कई सारे फाइबर ट्रैक निकले होते हैं जो अदर पार्ट से जोड़ने में मदद करते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ फाइबर ट्रैक्स हैं जो पॉन्स से अदर अदर पार्ट्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। बात करते हैं मेडुला की। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये बेसिकली हमारे जितने भी इन्वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, या हम बोल सकते हैं विसरल रिफ्लेक्सेस जो है उसको कंट्रोल करता है। विसरल रिफ्लेक्सेस का मतलब है जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके फंक्शंस को, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ये सारे इन्वॉलंटरी एक्टिविटीज है, उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसकी लेबलिंग मैंने थर्ड से बताई हुई थी। तो ये मेडुला के फंक्शन को याद रख लेना इसे। अब एक छोटी सी एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कुछ पार्ट है जिनको मिला के हमने बोला ब्रेन स्टेम। इसी चीज को आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मिड ब्रेन, सेकेंड पे है पॉन्स, और थर्ड पे है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, याद रख लेंगे। Now we will discuss about reflex action. What is reflex action? तो basically आपने experience किया होगा कि जब भी हमें कहीं गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी या कोई pointed object हमें हमारे contact में आता है तो हम एकदम से अपने hand को withdraw करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं तुरंत। तो ये जो आपकी activity थी, ये जो आपका response था, it is called reflex action. Reflex action की सबसे खास बात ये है कि बहुत ही sudden होगा, fast होगा। फास्ट होने के साथ साथ इनवॉलंटरी होगा, मतलब विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट। आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पांस टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरी, मतलब दैट इज विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट। आपको पता भी नहीं है लेकिन वो रिस्पांस आपका आ जाता है। एंड इट इज रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब है या तो इस रिफ्लेक्स को ब्रेन परफॉर्म कर रहा होगा, जहां भी हमें स्टिमुलस आया है उस स्टिमुलस की जानकारी को हमारे सीएनएस तक पहुंचाना। तो एक तो हमें एफरेंट न्यूरॉन चाहिए, दूसरा हमें चाहिए एफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। ये देख सकते हैं ये जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स, कि कितनी मसल्स इन्वॉल्वमेंट हुई है उस बेसिस पे ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये रेड वाला और ये येलो वाला दोनों मोटर न्यूरॉन्स है।
तो मोटर न्यूरॉन्स जो है ये भी हमें जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसी की मदद से आपके मसल्स मूव कर रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्स होता है उसमें एक तो मिनिमम एफरेंट न्यूरॉन चाहिए और एक मिनिमम मोटर न्यूरॉन चाहिए, और कोई ना कोई पार्ट ऑफ सीएनएस इन्वॉल्व होना जरूरी है, या तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा या स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इट इज ए मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का जो एग्जाम्पल है ये है नी जर्क रिफ्लेक्स। इसमें आप देख सकते हैं जब स्टिमुलस दिया जाता है एक हैमर के थ्रू, तो इसमें आगे की तरफ रेस्पॉन्स आता है, ये है मोनोसिनेप्टिक या नी जर्क रिफ्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। वैसे तो स्ट्रक्चर आपका रैपिड रिवीजन में कवर हो चुका है, बट यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो जहाँ बच्चा अटकता है वो है लेयर्स ऑफ रेटिना। लेयर्स ऑफ रेटिना में आप बात कर रहे हैं तीन लेयर्स की। फोटो सेंसिटिव लेयर, इसके अंदर रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, देन नेक्स्ट बाइपोलर लेयर एंड देन गैंग्लियोनिक लेयर। अब यहाँ ये समझ नहीं आता किसको इनर मोस्ट बोले और किसको आउटर मोस्ट बोले, तो मैं आपको बताया तो जो गैंग्लियोनिक लेयर है वो इनर मोस्ट है। वाई इनर मोस्ट? क्योंकि ये विट्रस चैम्बर की तरफ है, सबसे इनर कैविटी की तरफ है, इसलिए गैंग्लियोनिक लेयर सबसे इनर मोस्ट है। उससे बाहर की तरफ है बाइपोलर और उससे बाहर की तरफ है फोटो सेंसिटिव लेयर। बाहर से बना मतलब है टुवर्ड्स कोरोइड। जो कोरोइड की तरफ वाला पार्ट है उसको हम आउटर बोलते हैं, जो विट्रस चैम्बर की तरफ है उसको हम इनर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा जब पाथवे पूछा जाता है इम्पल्स और लाइट का, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि लाइट जो है कॉर्निया से लेंस से होते हुए आएगी तो सबसे पहले किस पे गिरेगी? ऑब्वियस बात है जो सबसे अंदर होगा, सबसे अंदर कौन है? गैंग्लियोनिक। फिर उससे जाएगी बाइपोलर पे, और बाइपोलर से जाती है फोटो सेंसिटिव लेयर पे। लाइट का पाथवे मैंने इधर समझाया राइट साइड पे, ये लाइट का पाथवे, ठीक है। लेकिन जो इम्पल्स डेवलप होती है वो रॉड्स एंड कॉन्स में डेवलप होती है। तो वहां रॉड्स एंड कॉन्स से इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है, पहले फोटो सेंसिटिव में डेवलप होगी, फिर साइनेप्स बनेगा तो बाइपोलर में आएगी, और फिर साइनेप्स होगा तो गैंग्लियोनिक में आएगी, और फिर यहाँ से ब्रेन में जाती है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दो देखने हैं, फोबिया और ब्लाइंड स्पॉट। फोबिया वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बनते हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉर्न सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा कॉर्न सेल्स यहाँ पे होते हैं एंड रॉड सेल्स यहाँ पे नहीं होते, इसलिए यहाँ पे सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनता है। इसी फोबिया के मीडियली, मीडियल मतलब टुवर्ड्स नोज, नोज की तरफ वाला पॉइंट, इस मीडियल पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नाम से समझ आ रहा है ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहाँ पे इमेजेस नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते इमेजेस? क्योंकि वहां पे ना तो रॉड से ना ही कॉन से। तो फिर यहाँ पे है क्या? बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है और ब्लड वेसल्स एंटर करता है। तो आई के ब्लड वेसल्स यहाँ से एंटर करते हैं और ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आते हैं, ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ विजन। बेसिकली लाइट जब हमारे आई में आई तो किस तरह से लाइट से इम्पल्स बना और वो इम्पल्स किस तरह से ब्रेन तक ट्रेवल करती है, तो उसके लिए थ्योरी तो आप सामने देख ही रहे हैं, उसी का मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। लाइट का पाथवे तो आपको क्लियर है किस तरह से आई में एंटर करता है। मैं बात कर रहा हूँ जब लाइट हमारे फोटो सेंसिटिव सेल्स पे आता है, दैट इज रॉड सेल या कॉर्न सेल, किसी भी सेल का आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रॉड सेल का लिया हुआ है। रॉड सेल पे जब लाइट गिरेगा तो रॉड सेल में एक पिगमेंट होता है रोडोपिन पिगमेंट, which is composed of retinal and opsin. ये दो component है जिससे मिलकर rhodopsin बना हुआ है। जैसे lighting पे गिरता है तो ये दोनों dissociate हो जाती है। तो basically retinal जो कि एक aldehyde है, vitamin A का aldehyde है, ये opsin से dissociate हो जाता है। ऐसा होने की वजह से rod cell में एक potential create होता है। अब अभी potential rod cell में है और हम जानते हैं synapse बनेगा, तो ये synapse के through potential travel करेगा bipolar cells में, और जब बाइपोलर सेल के अंदर न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा तब वो पहुंचेगा गैंग्लियोनिक सेल। यहाँ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो गैंग्लियोनिक सेल है, इस गैंग्लियोनिक सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ये याद रख लेना, एनसीईआरटी में गिवन है। ये एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियोनिक सेल में डेवलप हुआ है और ये एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियोनिक सेल से ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता है वो पहुंच जाता है ब्रेन में। तो जो भी आपने देखा उसका मेन एनालिसिस कहाँ होगा? ब्रेन में। तो ये बात को याद रखें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, इस एक्सटर्नल ईयर में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ईयर पिन्ना, और एक छोटा सा कैनाल है 2.5 सेंटीमीटर अराउंड विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑटरी कैनाल। ये एक्सटर्नल ईयर हुआ। फिर आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर इज ए
होलो बोनी कैविटी विच इज एयर फिल्ड। इस बोनी कैविटी में छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ईयरोसिकल्स। तीन ईयरोसिकल्स हैं, आउटर ट्यूनर चले तो मेलियस, देन इंकस, देन इस मिडिल ईयर के एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ट्यूब होती है जिसको कॉल्ड यूस्टेचियन ट्यूब, और ये यूस्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है नेसोफेरिंक्स से। यहाँ तक का पार्ट इजी है, बट जो मेन पार्ट है दैट इज इंटरनल ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। इस इंटरनल ईयर को इजी बनाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसकी मदद से हम समझेंगे। देखो इंटरनल ईयर में दो पार्ट है इंपॉर्टेंट, एक तो है कॉक्लिया और एक वेस्टिबुलर ऑर्गन या वेस्टिबुलर एपरेटस भी बोल सकते हैं। डायग्राम में देखने की कोशिश करें, कॉक्लिया एक कॉइल्ड पार्ट है, ये देखें आप, इसमें कॉइल्ड पार्ट, ये कॉक्लिया है। और इस कॉक्लिया के अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा है वेस्टिबुलर एपरेटस। अब ये कैसे काम करता है उसको समझिए। कॉक्लिया के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं उन रिसेप्टर सेल्स को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसे मैं फर्दर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मदद करता है हियरिंग, सुनने में मदद करता है ये आपकी, ठीक है, ये कॉक्लिया काम है हियरिंग। वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये तीन आपको हाफ हाफ रिंग दिख नजर आ रहे हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इसमें भी कुछ रिसेप्टर्स देखे गए, उन रिसेप्टर सेल्स को बोलते हैं क्रिस्टा, और क्रिस्टा का काम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलते फिरते दौड़ते भागते आपकी बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। इसी तरह के और बात करें रिसेप्टर्स, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यूट्रिकुलस और सेक्युलस की। यूट्रिकुलस सेक्युलस जो है ये स्मॉल चैम्बर है, और इन स्मॉल चैम्बर के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स देखे गए हैं, वो है मैक्यूला। और मैक्यूला का काम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखना, एक आपकी स्टैटिक पोजीशन को मेंटेन करके रखना। तो ये अगर आप फ्लो चार्ट याद रखेंगे तो इससे आपको इंटरनल ईयर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हियरिंग का मैकेनिज्म। इसको समझने से पहले आप पहले इस डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम है कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया का जब आप कट सेक्शन लेते हैं इसमें आपको तीन कैविटी नजर आती है। सबसे ऊपर वाली कैविटी है स्केला वेस्टिबुलर, मिडिल कैविटी है स्केला मीडिया, एंड सबसे लोअर कैविटी है स्केला टिम्पेनी। अगर आप इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करें तो जो स्केला टिम्पेनी है वेस्टिबुलर है, स्केला वेस्टिबुलर ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। अभी ओवल विंडो का है तो जो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच का जो एडजॉइनिंग पार्ट है वहां पे आपको कुछ विंडोज मिलते हैं। ऊपर वाला होता है ओवल विंडो जिससे स्केला वेस्टिबुलर कनेक्टेड है, और नीचे वाला होता है राउंड विंडो जिससे स्केला टिम्पेनी कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों ही सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली कैविटी में जो लिक्विड भरा है वो है पेरिलिम्फ, और जो बीच वाली कैविटी है स्केला मीडिया इसमें जो लिक्विड भरा है वो है एंडोलिम्फ, ठीक है। इसी स्केला मीडिया में कुछ हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स मतलब जिसके फ्री सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेयर सेल्स के ग्रुप को हमने बोला है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ये तीन सेपरेशन बने कैसे, ये तीन कैविटी बनी कैसे, तो बेसिकली यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स है। ये जो बेस वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो है रिस्नर मेम्ब्रेन। तो रिस्नर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी है स्केला मीडिया, और ऊपर नीचे वाली कैविटी है स्केला वेस्टिबुलर टिम्पेनी। इसी से रिलेटेड है अपना हियरिंग का मैकेनिज्म। तो प्रीवियस वाले डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो जो साउंड वेव्स है वो एक्सटर्नल से मिडल ईयर में आती है, और मिडल ईयर से इंटरनल ईयर में आती है। अब इंटरनल ईयर में कहाँ गई वो आप देखें, तो साउंड वेव जब इंटरनल ईयर में एंटर करती है तो वो ओवल विंडो से आती है स्केला वेस्टिबुलर के अंदर। यहाँ पे साउंड वेव आ चुकी है, जब इसके अंदर आएंगी तो यहाँ पे आप जानते हैं लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर रिपल्स क्रिएट होते हैं, मूवमेंट क्रिएट होते हैं, वेव्स क्रिएट होती है, और वही वेव्स जब पूरे में ट्रेवल करती है, कॉक्लिया के अंदर ट्रेवल करती है। आप देखते हैं कॉक्लिया जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो जब उसमें वेव्स पूरे ट्रेवल करती हैं तो उसकी वजह से ये हेयर सेल्स जो है मूव करती है। इन हेयर सेल्स का मूव करने से ये एक अनादर मेम्ब्रेन में जाके टकराते हैं जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो हेयर सेल्स के ऊपर की तरफ सिचुएटेड है, तो जब हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं तो हेयर सेल्स टकराते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, और ऐसा होने से हेयर सेल्स में पोटेंशियल क्रिएट होता है, और हेयर सेल्स का पोटेंशियल कैरी होता है कुछ एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू, और एफरेंट न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं कॉक्लियर नर्व। ये कॉक्लियर नर्व ये कॉक्लियर नर्व जो है ये बेसिकली कुछ एफरेंट न्यूरॉन्स का ही जो है एक एफरेंट न्यूरॉन्स मिलकर इसको बना रहे हैं,
कि यहाँ पे जो इम्पल्स क्रिएट होगा वो पॉपुलर नर्व से होता हुआ जाएगा ब्रेन के अंदर। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है। इसमें आप इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना, ये डायग्राम कई बार पूछा जाता है, और इस मैकेनिज्म को आप याद रखें, जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस मैकेनिज्म को एक बार आप अच्छे से देख लें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियसली आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ नीट। तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। हमें इनकरेक्ट पेयर मैच करना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेरिबेलम। फंक्शन दिया है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, गलत है, क्योंकि लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। तो आंसर तो हमारा पहला हो सकता है, बट फिर भी हम तीन ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टिसेस। यहाँ कॉर्टिसेस मतलब वही हेमिस्फीयर की बात चल रही है, तो ये तो सही हो गया, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। थर्ड है सेरिब्रम, सेरिब्रम का काम है कैलकुलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, ये भी सही है। कैलकुलेशन मतलब जो भी एनालिटिकल वर्क है वो आपका सेरिब्रम करता है। कॉन्टेम्पलेशन इज रिलेटेड टू थिंकिंग, जैसे किसी चीज पे आप कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई थिंकिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्पलेशन। सही है, सेरिब्रम ये काम करता है। फोर्थ है मेडुला ऑब्लोंगेटा, होमियोस्टेटिक कंट्रोल। होमियोस्टेटिक कंट्रोल का मतलब है आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये भी सही है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सक्रीटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है, जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो सही है, तो इनकरेक्ट पेयर्ड हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, रिसेप्टर की साइट पूछ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की लोकेशन नहीं पूछ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, साइनेप्स हमने पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से, और उसके रिसेप्टर्स होते हैं पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा टिप्स ऑफ एक्सॉन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सॉन के टिप जो है वो प्रीसिनेप्टिक का पार्ट है। थर्ड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, सही है, यही होना चाहिए। फोर्थ क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी किसका पार्ट हुआ? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं नीट में इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ध्यान देना, बच्चे आजकल नॉट करेक्ट इनकरेक्ट इसी में उलझे हुए रहते हैं, तो नॉट करेक्ट मतलब है इनकरेक्ट। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, रेटिनल इज द लाइट अब्सॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट। सही बात है, विजुअल फोटो पिगमेंट बेसिकली रोडोप्सिन और एवडोप्सिन की बात चल रही है, जो कि रॉड सेल और कॉर्न सेल में होते हैं। दोनों ही फोटो पिगमेंट के अंदर रेटिनल होता है। तो बात करें रेटिनल क्या है, तो आप जानते हैं ये विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है, ये आपको एवडोप्सिन में मिलेगा और रोडोप्सिन में मिलेगा। ठीक है, ये लाइट अब्सॉर्ब पार्ट है, ट्रू, पहला सही है। सेकंड पे आते हैं, इन रेटिना द रॉड्स हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कॉर्न्स हैव थ्री डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स। ट्रू, ये भी सही बात है, रोड्स में एक ही तरह का पिगमेंट है, जबकि कॉर्न्स के अंदर तीन अलग अलग तरह के पिगमेंट है। थर्ड देखते हैं, रेटिनल इज अ डेरिवेशन ऑफ विटामिन सी। गलत है, अभी तो बताया विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। चलिए थर्ड गलत हो गया, तो ये हमसे यही तो पूछना चाह रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो थर्ड हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है रोडोप्सिन इज द पर्पलिश एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन रॉड्स ओनली। सही है, रॉड्स में होता है रोडोप्सिन, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमसे पूछा गया था उसने इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। Now come to the next question. A gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of. तो basically ये balance की बात कर रहा है कि body का balance कौन कर सकता है? देखते हैं। Vestibular apparatus कर सकता है। कहाँ होता है ये? तो हमारे ear में जो सबसे internal ear है, वहाँ पे cochlea के पास होता है, और इसका यही काम होता है, ये आपके balancing का काम करता है। तो आंसर तो हमें पता चल गया है कि आंसर विल बी फर्स्ट। फिर भी हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, गलत है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन कॉर्टाई, एन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज रिलेटेड टू हियरिंग। सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, और फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कॉकलिया में ही लोकेटेड होता है।
सो आंसर विल बी फर्स्ट. सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. तो नीट में इस तरह के काफी सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन मैमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर. बेसिकली फोविया के बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट है मोर रोड्स देन कॉन्स आर फाउंड. गलत. फोविया तो सबसे ज्यादा कॉन्स होते हैं फोविया पे. रोड सेल्स तो होते ही नहीं, तो पहला तो हो नहीं सकता. दूसरा है हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर बट हैज नो रोड्स. ट्रू, यही हम जानना चाह रहे थे. तो आंसर तो हमें पता चल गया है कि आंसर विल बी सेकंड. ठीक है, चलिए थर्ड फोर्थ को भी एक बार पढ़ी लेते हैं. थर्ड इज द ऑप्टिक नर्व लीव्स दैट ना. ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से निकलता है, याद रखिएगा. ठीक है, फोबिया से नहीं निकलता है, तो थर्ड नहीं हो सकता. अब फोर्थ बोल रहा है ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, तो ये भी गलत है क्योंकि रॉड्स तो एब्सेंट होते हैं, ओनली कॉन्स होते हैं. सो आंसर विल बी सेकंड. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि गुड विजन कैरोटीन रिच डाइट्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन. सही बात है. देखिए, जो कैरोटीन होता है डाइट के अंदर, वो हमारे बॉडी में जाके उससे विटामिन ए बनता है. ठीक है, और विटामिन ए हमारे आई के लिए जरूरी है, इसलिए पहला ऑप्शन तो सही है. सेकंड देख लेते हैं. द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट. ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं. देखिए, ये मेम्ब्रेन डिस्क क्या है, इनर सेगमेंट क्या है. तो बेसिकली जब आप एक रॉड सेल देखेंगे ना, ये देखिए, ये इसका जो है इनर सेगमेंट है, नीचे की तरफ. ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इनर सेगमेंट है, ये वाला आउटर सेगमेंट है. आउटर सेगमेंट के अंदर कुछ डिस्क होते हैं. ठीक है, इन डिस्क के अंदर जो है आपका फोटो पिगमेंट होता है. ये वाला जो डिस्क है, इन डिस्क के अंदर फोटो पिगमेंट होता है. अगर रॉड सेल है तो रॉड ऑप्शन होगा, और कॉन सेल है तो एड ऑप्शन होगा. तो जरा आप डायग्राम में देख के बताइए, ये वाले जो डिस्क आपको दिख रहे हैं, ये इनर पार्ट दिख रहा है या आउटर पार्ट दिख रहा है? ऑब्वियसली बात है आउटर पार्ट है. तो फिर इनर पार्ट में क्या है? इनर पार्ट में है न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स. तो ये थोड़ा सा याद रख लेना. रॉड्स एंड कॉन्स के जो इनर पार्ट है, इस इनर पार्ट में तो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और आउटर पार्ट में होते हैं डिस्क, और इन डिस्क के अंदर होता है फोटो पिगमेंट. रॉड सेल है तो रॉड ऑप्शन, और कॉन्स सेल है तो एड ऑप्शन. ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हुआ है गलत? गलत हुआ. तो बी ऑप्शन तो गलत है. वो कहना चाह रहा है कि फोटो पिगमेंट इनर डिस्क में नहीं. सी पे चलते हैं. रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. सही है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया है. सी सही है. ठीक, डी पे आते हैं. रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स. ये भी सही है, ये भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ. तो ए सही है, सी सही है, और डी सही है. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? फर्स्ट, ए सी डी. चलिए, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट. ए सही है, सी सही है, और डी सही है.